नहीं आप पकड़ सकते हैं क्या? अरे यार क्या कर रहे हो यार? अरे दीपक सर ज्यादा हाथ नहीं सर मेरे दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर मीटिंग हुई है कांग्रेस की। उस मीटिंग में क्या कुछ रहा है? उस मीटिंग में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं थे, ये भी जानकारी आपको दे दें। उस मीटिंग में जो कुछ भी हुआ है उसका ब्यौरा रणदीप सुरजेवाला मीडिया को देने जा रहे हैं, सुनते हैं उनको। अरे अरे उनके सर पे मत मारो यार, अंदर चले एक मिनट मैं चला जाऊंगा, एक सेकंड मुझे अरेंज करने दीजिए। सॉरी यार आप इसको दे आप आराम से थोड़ा कॉपरेट कर लीजिए ये और मैं छोड़ दीजिए। कैन वी स्टार्ट सर? आदरणीय साथियों, आज कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी की एक विशेष बैठक हुई, जिसमें जिस प्रकार से देश के हितों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, किसान के हितों को बेचा जा रहा है, किसान और व्यापार के मुद्दों पर दुकानदार व्यापारी व्यवसायी और किसान उसके हितों को जिस प्रकार से खुली बोली लगाकर देश हित को के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बड़े तफसील से उन सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। 3:30 बजे आज एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन सारे इश्यूज की व्याख्या हम आपके समक्ष करेंगे, जिसमें एके एंटनी जी भी होंगे और पार्टी के दूसरे नेता भी होंगे। फ्रेंड्स, टुडे डिटेल डिस्कशन टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी अलोंग विद वेरियस लीडर्स ऑफ द पार्टी। द डिस्कशन सेंटर्ड अराउंड द वे द इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज फार्मर्स, India's shopkeepers, India's industry are being bartered away and sold openly by the current ruling dispensation, that is the BJP government. We are going to make a comprehensive statement on the manner and fashion in which the interest of India's farmers, be it the dairy farmers, be it the fisheries industry, be it the other agri exports and agriculture products, be it the small and medium trades and businesses, the way its interests are being bartered by the BJP government. We will make a comprehensive statement on the issue. Please wait till 3:30 today. Thank you. I think you should look at the statements made by Shri Narendra Modi ji, as also Shri Amit Shah ji, at the time when Shri Gopal Kanda was a minister in Haryana government, when we forced him to resign after registration of a case and also removed him from ministership. What was the stance of Bharatiya Janata Party then? And what's the kind of double speak that the Bharatiya Janata Party is doing today? This shows the level of hunger for power. In Haryana, Bharatiya Janata Party has been decisively rejected. Those who sought that they will get a 75 plus mandate has not even touched the majority mark. They have no right to form a government. Defections are again coming to play with allurements of money and power and of positions in government being the sole criteria for formation of government in Haryana. To put it in Hindi again,
कृपया करके माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के और भारतीय जनता पार्टी के उन सारे बयानों को दोबारा आपके टेलीविजन चैनल्स पर दिखाएं जब श्री गोपाल कांडा कांग्रेस पार्टी में मंत्री थे और उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था तो जो उन्होंने कांग्रेस के बारे में दिए थे। कांग्रेस पार्टी ने तो उस समय भी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए श्री गोपाल कांडा को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था, मुकदमा दर्ज किया था और पूरे मामले की बाकायदा जांच की थी। आज वही श्री गोपाल कांडा भाजपा के लिए दूध के धुले हो गए और सत्ता का रास्ता बन गए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन को नहीं दर्शाता? सच्चाई ये है कि 75 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा की जनता ने बहुमत ना देकर नाकार दिया है। कट्टर साहब और एक मंत्री को छोड़कर पूरा मंत्रिमंडल भी चुनाव हार गया है। ऐसे में क्या नैतिक अधिकार है उन्हें सरकार बनाने का? एक बार फिर हरियाणा में आया राम गया राम, पैसे और पद के प्रलोभन के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है और प्रयास किए जा रहे हैं। ना कोई नैतिकता का आधार बचा, ना प्रजातंत्र में बहुमत का। नंबर ऑफ ऑपोजिशन कैंडिडेट्स हैव लॉस्ट बाय अ रिस्पेक्ट द मार्जिन। इन सम केसेस रीकाउंटिंग वाज आल्सो कैरीड आउट टू हेल्प द बीजेपी कैंडिडेट। यू थिंक दिस इज अ कंप्लीट मिसयूज ऑफ अथॉरिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द गवर्नमेंट बाय द बीजेपी टू कम बैक टू पावर? एब्सोल्युटली एक्सट्रीमली स्लेंडर मार्जिन ऑफ 300 400 500 1000 वोट्स वर देयर। वी ऑल न्यू एज टू हाउ मनी एंड मसल पावर and the ruling dispensation used their entire machinery to suitably help certain candidates, and the media of recounting was used to defeat at कांग्रेस हमलावर हो गई है भारतीय जनता पार्टी पर। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, जो कि चुनाव हार गए हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव का, वो गोपाल कांडा बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, इस पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पार्टी की आलोचना कर रहे हैं कि गोपाल कांडा के समर्थन से बीजेपी आखिर सरकार कैसे बना सकती है।